तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कितनी तेज़ रफ्तार में हम लोग सवाई माधोपुर से निकल रहे थे। मैं आपसे बातचीत कर ही रहा था कि कौन सी ट्रेन आने वाली कौन सी नहीं आने वाली। इतने में हमारी जो ट्रेन है उसने किसी मवेशी को कुचल दिया, या मतलब कोई ना कोई मवेशी इसके सामने आ गया, जिसके कारण ट्रेन ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। लगभग 125 से 130 की रफ्तार में यहाँ से स्किप कर रही थी, तुरंत ही ट्रेन रुक गई इमरजेंसी। दोस्तों ऐसे रुक गई थी हमारी राजधानी एक्सप्रेस, और आगे जा कर के क्या हुआ ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं एक ऐसी ट्रेन में सफ़र करने निकला हूं जिसके स्टॉपेजेस बहुत ही कम हैं और जो लंबी लंबी दूरी तक भी रुकती नहीं है। जैसा कि नई दिल्ली से जब ये छूटेगी तो कोटा पहुंचेगी 465 किलोमीटर, बीच में कहीं नहीं रुकेगी। कोटा के बाद चलेगी तो सीधा वडोदरा रुकेगी, जो 992 किलोमीटर है नई दिल्ली से। बीच में केवल एक स्टॉप आपने देखा कि कोटा। और एक और चीज़ बताऊँ, इस ट्रेन में मैं गोवा तक यात्रा करने वाला हूँ, और गोवा तक जाते जाते गोवा इसका फिफ्थ स्टॉप होता है। अगर नई दिल्ली को हटा दें तो चौथा स्टेशन होगा फिर वो, जहाँ ट्रेन रुकती है। और 2000 किलोमीटर है गोवा, वहाँ तक ये केवल 4 बार रुकती है बीच में। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस ट्रेन को स्पेशल बनाती हैं। बहुत सारे स्किप देखने को मिलने वाले हैं, भरतपुर, बयाना, नगदा जंक्शन, सवाई माधोपुर, ऐसे बहुत सारे स्टेशन आएंगे बीच में जहाँ स्किप करती है। मैं कोशिश करूँगा सभी चीज़ आप लोग को दिखा पाऊँ। प्लस कल की जो यात्रा है इस ट्रेन में, आज डे 1 है, कल डे 2 पूरा कोंकण में गुजरने वाला है। बहुत ही खूबसूरत है कोंकण दोस्तों, हरा भरा, और पानी वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा, झरने वगैरह। तो आज के इस वीडियो का टारगेट ये है कि आप लोग को इस ट्रेन की जर्नी को जो एक्सपीरियंस है उसे शेयर करूँ। मैं यात्रा करने वाला हूँ तिरुवनंतपुरम राजधानी एक्सप्रेस में दोस्तों, और जिसमें मैं केवल मडगांव तक यात्रा कर रहा हूँ। टिकट की अवेलेबिलिटी और जो किराया वगैरह पड़ा है वो आगे जा करके आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। इंटीरियर वगैरह भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए आने वाले ट्रेलर को। ये रही हमारे पीछे तिरुवनंतपुरम राजधानी एक्सप्रेस। चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं कैसा इंटीरियर ट्रेन का। फिलहाल तो काफ़ी साफ सुथरी लग रही है दोस्तों ट्रेन। और ये है 2 टायर का कोच जिसमें हम यात्रा करने वाले हैं। 2 सीटें लोअर, 2 अपर बर्थ, और यहाँ पे साइड अपर साइड लोअर दोस्तों। तो ये जो जर्नी है ये पूरा हम एंड टू एंड तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मडगांव तक इसमें यात्रा करेंगे। जो ब्यूटीफुल सेक्शन है वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो फाइनली दोस्तों हमारा डिपार्चर तो हो चुका है नई दिल्ली से, और दूसरी तरफ आप देख सकते होंगे कर्नाटका एक्सप्रेस खड़ी हुई है जो कि बेंगलोर से नई दिल्ली के बीच में चलती है। पीछे तरफ उसके एक HCPV भी लगा हुआ है। बहुत ही अच्छा लगता है जब नई दिल्ली से डिपार्चर होता है, क्योंकि एक साथ बहुत सारी ट्रेनें देखने को मिलती हैं। वहाँ पे क्लोन हमसफ़र भी डिपार्चर के लिए तैयार है शायद, प्लेटफॉर्म नंबर 9 से। और सियालदह राजधानी आ चुकी है यहाँ पे, जिसमें शंटर लोकोमोटिव लगा हुआ है।
दोस्तों नई दिल्ली से हमारा डिपार्चर राइट टाइम हुआ था, उसके बाद आप लोगों ने देखा हमने कैसे निजामुद्दीन स्किप किया, फिर फरीदाबाद रेलवे स्टेशन को 130 की रफ्तार में स्किप किया। अब बारी है कुछ लंच किया जाओ। हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं रेल गैंग कोच यानी हमारे संदीप भाई, नमस्कार। तो हम लोगों ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही खाना पीना कुछ ले लिया था, तो वो कैसा था इस चीज़ का रिव्यू हम लोग करेंगे इस वीडियो में, और संदीप भाई दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने ली हैं। भाई दिखाओ क्या क्या है वहाँ पर। तो एक चीज़ है कि जब हम लोग जर्नी स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लंबी जर्नी स्टार्ट करते हैं खासतौर पे, जो तो अभी फिलहाल के वक्त में खाने पीने चीज़ इकट्ठा करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टेशन में पता नहीं मिले ना मिले। फिलहाल अब तो स्टेशन खुल रहे हैं अच्छे से, जो केटरिंग है वो खुल रही है, लेकिन फिर भी जो खाने पीने सामान है वो उतनी अच्छी मात्रा में मिल नहीं रहे हैं, अच्छी क्वान्टिटी नहीं मिल रही है, अच्छी क्वालिटी नहीं मिल रही। तो हमने नई दिल्ली से क्या है कि अपने लिए छोटा मोटा कुछ ऐसे खाना जो है वो ऑर्डर कर लिया। तो ये चावल है, दाल है और सब्ज़ी है, ये तो बहुत लाइट खाना है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। और उसके साथ ही साथ तो हम लोगों ने अपने साथ कुछ जो फ्रूट्स वगैरह है वो भी कैरी कर रहे हैं हम लोग, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और उसके बाद ट्रेन का जो स्टॉप है वो भी काफ़ी कम है, इसके बाद बहुत मतलब कि 3-4 स्टॉप है, उसके बाद हम मडगांव पहुँच जाएंगे, तो स्टॉप बहुत कम है। तो खाने पर चीज़ें जो रखना मेरे बहुत ज़रूरी है। आइए टेस्ट करते हैं खाना कैसा है वैसे। और एक और चीज़ है, ये सब तो है, इसके साथ जो रोटी है मेरे ख्याल से पराठे होंगे, रोटी है ये भी हुई है। तो आइए टेस्ट करते हैं पहले खाने को, देखते कैसा है। और ये जो पूरा खाना है ये 120 रुपये का मिला, और क्वालिटी ठीक है, क्वांटिटी भी अच्छी लग रही है। टेस्ट देखते हैं कैसा है। टेस्ट बिल्कुल टॉलरेबल है, बढ़िया है, मतलब खा सकते हो आप अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। प्राइस भी बढ़िया है, बिल्कुल ठीक है। तो सब मिला करके खाना जो है वो टॉलरेबल है, खा सकते हो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि इसके बाद हमें क्या मिलने वाला है, वो थोड़ा सस्पेंस है, क्योंकि कोटा में स्टॉप है, उसके बाद पता नहीं वहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके बाद सीधे वडोदरा, तो अब देखना पड़ेगा हमें। और साथ ही साथ जो पेंट्री कार है उसमें भी, वहाँ पर भी आपको रेडी टू ईट जो है वो सर्व होगा, लेकिन वो उसका टेस्ट जो है वो पता आपको कैसा होता है। तो हम लोग का टारगेट था कि कैसे भी करके ट्रेन में खाने पीने की दिक्कत ना हो, सबकी राजधानी का हमने फ्रूट्स कैरी करनी अपने साथ की, इमरजेंसी को हमारे लिए बिस्किट्स हैं हमारे, तो ये सब चीज़ें कुछ हैं जो इस जर्नी को स्पेशल बनाने वाले। मैं भी हैंड सैनिटाइज करता हूँ और खाना पीना करता हूँ, आप लोगों से आगे मिलता हूँ मसाला स्किप के दोस्तों। तो दोस्तों अभी समय हो रहा है 1:11, और समय हो चुका है मथुरा जंक्शन को स्किप करने का। मथुरा को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से अलवर की ओर लाइन बनी हुई है, और आपको भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन मिलता है, वहीं से आपको लाइन जाती हुई दिखाई देगी। कासगंज के लिए लाइन गई हुई है, भरतपुर के लिए लाइन गई है जिसमें आज हम लोग जाने वाले हैं, और वैसे हम लोग यूजुअली जाते हैं आगरा वाली लाइन पर, मैक्सिमम टाइम आप लोगों ने मेरे साथ उसी रूट पर ट्रैवल किया है, पर आज जाएंगे भरतपुर वाली लाइन पर। चलिए देखते हैं मथुरा के पास चल रहे हैं, यहाँ स्टॉप नहीं है। तो यहाँ हम लोग अलग हो गए हैं मेन लाइन से जो आगरा की ओर जाती है, और हम लोग बढ़ चुके हैं कोटा की तरफ जाने वाली लाइन पे। जो सामने आप दो ट्रैक्स देख रहे हैं, जिसमें से सबसे उधर वाला यानी लेफ्ट मोस्ट वाला है अप ट्रैक, और ये है डाउन ट्रैक जो हमारे जस्ट बगल में चल रहा है। हमने गुड्स ट्रेन खड़ी हुई है आगरा की तरफ से आती हुई, you
अब बारी है बयाना जंक्शन को स्किप करने की। ट्रैक आज का यानी बयाना जंक्शन भी आज का है। इंजॉय कीजिए स्किप को। अभी हम लोगों ने जैसे ही बयाना पार किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं खूबसूरत से पहाड़ आ रहे हैं। अब इन्हें देखने का मन कर रहा है बाहर से, थोड़ा आप लोग के लिए शॉट लेते हैं इनका और आप लोग भी देखो। कितने अजीब तो नहीं कहूँगा लेकिन हाँ पहाड़ बड़े यूनिक हैं। यहाँ पे देखते हैं इन पहाड़ों को। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी ट्रेन अभी स्लो से स्किप कर रही है हिंडौन सिटी को, इसलिए मैं बाहर तो नहीं गया ताकि, लेकिन एक इरादा था कि आप लोग को ज़रूर हिंडौन सिटी रेलवे स्टेशन दिखाऊं। तो यहाँ पे हमारी ट्रेन हिंडौन सिटी को स्किप कर रही है। अभी भी सर्कल्स वो जो हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो बनाए गए थे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, वो वहीं पर हैं। वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे के अंदर आने वाला हिंडौन सिटी रेलवे स्टेशन बीच लाइन से हम लोग उसे स्किप कर रहे हैं। दो बज के 12 मिनट हम लोगों ने हिंडौन सिटी को पार कर लिया है। देखते हैं आगे आने वाले स्टेशन को दोस्तों। तो दोस्तों ये जो अभी गुजरी ये थी बानस नदी और अब आने वाला है रणथंभौर और उसके तुरंत बाद ही आपको देखने को मिलेगा सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन, जहाँ से जयपुर की वो लाइन गई हुई है वो लाइन भी आपको देखने को मिलेगी। स्टेशन से डिपार्चर में हम राइट साइड होंगे, आपको लाइन देखने को मिलेगी। ध्यान से देखिएगा सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन। अभी दोस्तों हमारी ट्रेन स्किप कर रही है सवाई माधोपुर को। यहाँ पे नंदा देवी एक्सप्रेस स्टे हो रहा है 7:00 PM का और जयपुर बांद्रा का भी यहाँ पे बोर्ड डिस्प्ले हो चुका है, पता नहीं कब तक आएगी। 4:00 PM का टाइमिंग लिखा हुआ है। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कितनी तेज़ रफ्तार में हम लोग सवाई माधोपुर से निकल रहे थे। मैं आपसे बातचीत कर ही रहा था कि कौन सी ट्रेन आने वाली कौन सी नहीं आने वाली। इतने में हमारी जो ट्रेन है उसने किसी मवेशी को कुचल दिया या मतलब कोई ना कोई मवेशी इसके सामने आ गया, जिसके कारण ट्रेन ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। लगभग 125 से 130 की रफ्तार में यहाँ से स्किप कर रही थी, तुरंत ही ट्रेन रुक गई, इमरजेंसी ब्रेक लगा के खड़ी हो गई है। अभी हम लोग इस तरफ प्लेटफॉर्म है, शायद आपको दिख रहा हो, और दूसरी तरफ ये थोड़ा सा डिस्टेंस है। फिलहाल यहीं पे हैं, देखते हैं कब ट्रेन यहाँ चलती है। हुआ क्या है वो तो आपको थोड़ी देर में बताऊंगा मैं। यात्री क्लास में 4:30 PM जयपुर मुंबई सेंट्रल आज टेलीफोन नंबर 1 पर आएगी। यात्री प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए पैदल सफर का उपयोग करें। दोस्तों अभी आप लोगों ने सुना जो मुंबई की ओर जाने वाली जयपुर मुंबई एक्सप्रेस है आने वाली है, उसके प्लेटफॉर्म को आज चेंज कर दिया गया, क्योंकि हमारी जो राजधानी एक्सप्रेस है प्लेटफॉर्म पार करके सिग्नल पार करके रुक गई है, जिसके कारण जो उसका ट्रैक है प्लेटफॉर्म जाने वाला वो कवर हो चुका है। इसलिए आज वो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर
एक पर आएगी दोस्तों। और ट्रेन यहाँ से मुझे दिख भी चुकी है, आ रही है, आप लोग देखिए उसका अराइवल, फिर देखते हैं हमारी ट्रेन का डिपार्चर कब तक होता है। एक्सप्रेस को हॉल करेगा आगे की यात्रा में। हमारी ट्रेन अभी भी नहीं चली है और समय हो रहा है 3:48, पता नहीं देखते हैं कब तक चलेगी यहाँ से। तो दोस्तों फाइनली 4:05 पर हमारी ट्रेन यहाँ से चल चुकी है और दूसरा लोकोमोटिव अटैच हो चुका है जोधपुर एक्सप्रेस में। सवाई माधोपुर से हमारा डिपार्चर हो चुका है दोस्तों। दोस्तों ये बिल्डिंग काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को, एक किले जैसा लुक दे रही है, पता नहीं किस चीज़ की बिल्डिंग है, ये अच्छा लगा देख करके। और यहाँ पर हमारी ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है और जो लाइन जाती है जयपुर की ओर वो आने वाली है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा उसमें। वो जो ट्रैक दोस्तों अलग जा रहा है यही जाता है जयपुर की ओर, 30 का स्पीड रेजिस्टेंस लिखा हुआ था यहाँ पर। जल्दी ये रूट भी इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा देख के लग रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो पोल्स नहीं थे, अब इलेक्ट्रिक पोल्स भी यहाँ आ चुके हैं। चलिए अब चलते हैं अंदर और अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों अभी गुडला जंक्शन आने वाला है, उसके बाद हम लोग चंबल नदी को पार करेंगे फिर कोटा पहुँचेंगे। देखते हैं चंबल नदी के दर्शन यहाँ पर कैसे होते हैं, बहुत बार हम लोग देख चुके हैं चंबल नदी को, पर आज कोटा के पहले दर्शन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि ये दर्शन आपको शाम में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों समय से हम लोग कोटा तो पहुंच गए थे, लेकिन मैं आप लोग को एक चीज़ से आगाह करना चाहूँगा, अगला स्टॉप सीधा वडोदरा है 11:00, तो अगर आप लोग को ट्रेन खाने पे भरोसा नहीं है तो कोटा जंक्शन से आप खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं, चिप्स कुरकुरे इस टाइप की चीज़ें, समोसा कचौड़ी आलू बोंडे छोला चावल रोटी सब्जी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं स्टेशन में। अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं स्टेशन की चीज़ों को तो वो चीज़ें यहाँ से ले सकते हैं। हमारा पीछे डिपार्चर हो रहा है कोटा श्रीगंगानगर एक्सप्रेस का, जिसका राइट टाइम यहाँ से डिपार्चर का हो चुका है और हम तो लेट हैं, गए हमारी वजह से जो जयपुर मुंबई एक्सप्रेस है वो आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, उसके प्लेटफॉर्म में भी बदलाव किया गया है, आप लोगों ने तो देखा ही, हमने ओवरटेक किया था उसे। पर हमारी ट्रेन बहुत तेज़ चल के आई है सवाई माधोपुर से कोटा तक 130 रफ्तार के, तो पूरे मज़े हुए यहाँ पे आज। फिलहाल कोटा से गंगानगर एक्सप्रेस का डिपार्चर यहाँ से हो चुका है दोस्तों। कोटा श्रीगंगानगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, इसकी रेक शेयरिंग है झालवाड़ा श्रीगंगानगर एक्सप्रेस से।
तो दोस्तों 5:26 पर हमारा डिपार्चर होता है कोटा जंक्शन से। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो। मिलूंगा आप लोगों से इस वीडियो की अगली सीरीज़ में, जहां हम लोग देखेंगे एक नॉन स्टॉप रन कोटा से वडोदरा का, लगभग 500 किलोमीटर से ज़्यादा का ये रन होने वाला है। तो आप लोग इन्जॉय करेंगे एक नॉन स्टॉप रन इस हाई स्पीड राजधानी एक्सप्रेस में अगले पार्ट में, जिसमें आपको दारा घाट देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही सुंदर घाट सेक्शन है। उसके बाद आपको बड़े बड़े स्टेशन का स्किप, रतलाम नगदा से स्टेशन का स्किप देखने को मिलेगा। फिर हम पहुंचेंगे वडोदरा, जहां पर हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव जो है इलेक्ट्रिक से डीजल लोकोमोटिव हो जाएगा। अगले पार्ट में ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलेंगे आने वाले पार्ट्स में और ढेर सारी जर्नीज में। तब तक ख्याल रखिए आप लोग अपना। जय हिंद दोस्तों। मेरी ट्रैवलिंग अपडेट्स के लिए और मुझसे करीब से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।